नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चली तेज रफ्तार के साथ दिखाते हैं आपको सुपर फास्ट खबरें। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि, वहीं 40 से ज्यादा लोगों के अभी भी लापता होने की खबर। अमरनाथ गुफा के पास शाम 5:30 पर फटा था बादल। आईटीबीपी के मुताबिक मौके पर गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु थे मौजूद। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी, रेस्क्यू टीम की डॉग स्क्वाड का भी किया जा रहा है इस्तेमाल, बरती जा रही हैं सावधानियां। घटना के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद, यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू बेस कैंप से हुआ रवाना। यात्रियों के मुताबिक प्रशासन ने आगे जाने की दी अनुमति, वहीं सभी तरह की सुविधाएं दिए जाने का किया दावा, बोले बाबा बर्फानी सबकी रक्षा करेंगे। अमरनाथ हादसे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा अमरनाथ में हुई घटना दुखद, पीड़ित परिवार जनों को अच्छा मुआवजा दे सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ में फंसे हुए उत्तराखंड के श्रद्धालुओं से की फोन पर बात, सभी को सुरक्षित निकालने का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं से भी की मुलाकात, राष्ट्रपति से मिले शिंदे और फडणवीस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में किया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल सहित अन्य पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। रतलाम में बोले सीएम शिवराज, कमलनाथ ने नहीं किया मतदान, वे चाहते हैं जनता वोट डाले और वो राज करें। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की नॉर्थ जोनल काउंसिल के साथ जारी बैठक, मीटिंग में राज्यपाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद। आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और साइबर अपराध समेत सीमा पार से ड्रग्स तस्करी जैसे मुद्दों पर जारी चर्चा, सूचना साझा करने की प्रणाली पर भी मंथन। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो आया सामने, वीडियो में प्रदर्शन करते दिखे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, नुपुर शर्मा के बयान के बाद निकाला था रोष मार्च। विरोध प्रदर्शन में गाए गए भड़काऊ नारे, वहीं सर तन से जुदा के नारे भी लगाते दिखे लोग, सिर कलम पर हरकत में प्रशासन। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही तैयार किया गया था उदयपुर हत्याकांड का खाका, वहीं प्रदर्शन में ही किया गया था कन्हैया लाल, नितिन जैन और पनेरिया के नामों का सार्वजनिक ऐलान। गौस मोहम्मद और रियाज भी थे रोष मार्च का हिस्सा, प्रदर्शन के बाद साथी अपराधी आरोपियों मोहसिन और आरिफ से की थी मुलाकात। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप, आज 22 शहरों में बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। मीनामणि मेकलाई की आस्था पर चोट जारी, हिंदुत्व को लेकर किया विवादित ट्वीट, लिखा मेरी काली हिंदुत्व का विनाश करने वाली। फिल्म काली को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर के सीईओ को लिखी चिट्ठी, लीना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग। अपने बयान पर डटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, लिखा बंगालियों को ना समझाएं मां काली की पूजा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद भारत में राष्ट्रीय शोक, लाल किला, राष्ट्रपति भवन समेत तमाम सरकारी इमारतों पर आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। शिंजो आबे की हत्या बाद क्वाड नेताओं ने जारी किया संयुक्त वक्तव्य, वहीं बोले ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के नेता पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या से स्तंभ। क्वाड नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे को बताया परिवर्तनकारी नेता, बोले क्वाड के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने वाले नेता थे आबे। भाषण के दौरान मारी गई थी पूर्व पीएम को गोली, पूर्व नौसैनिक ने होममेड बंदूक से चलाई थी गोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बहाव का कहर, सैलाब में बहा ट्रक, हादसे में 2 लोगों की भी बहने की आशंका।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी उफान पर नदियां, कई जगहों से लैंडस्लाइड का मामला आया सामने, कई राजमार्ग भी बंद, बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक दरिया बने रिहायशी इलाके, पूर्णिया में आए सैलाब में बहा पुल, कई दुकानें तबाह। हैदराबाद में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, शुरुआती बारिशों में से कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला को दी बड़ी सौगात, कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान किया प्राप्त। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की पुष्टि। बीटन में 2.87 करोड़ की लागत से बनेगा गौ अभ्यारण्य, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास, 3 माह में बनकर तैयार होगा गौ अभ्यारण्य, 500 से अधिक पशुओं को मिलेगा आश्रय। NH-707 पावंटा साहिब शिलाई सड़क पर हेवड़ा के पास लोक निर्माण विभाग की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, चालक की हुई मौके पर मौत, पुलिस ने खाई से शव को बरामद कर जांच शुरू की। बिलासपुर जिले के कुमझवाड़ पंचायत के बगौट में वीरवार को बादल फटने से हुई बड़ी तबाही, कई घर मवेशी और पेड़ पौधे को हुआ नुकसान, प्रशासन के अधिकारी भी सूचना मिलते ही मौके पर हुए तैनात। शिमला के मशोबरा इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से निर्माणाधीन 6 भवन खतरे की जद में, इन फ्लैट के लिए बनाई जा रही है निजी सड़क, वहीं भवन की नींव कच्ची होने की वजह से बारिश होने पर मकान कभी भी हो सकता है जमींदोज, घरों में 30 परिवारों के रहते हैं 200 लोग, प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए खाली कराए मकान। बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के चोंज में बादल फटने के बाद 4 लोग हुए लापता, मंडी जिला के सुंदरनगर निवासी रोहित का 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन प्रशिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, वीरवार को बेरोजगार प्रशिक्षकों ने DC ऑफिस के बाहर दिया प्रदर्शन, प्रशिक्षकों ने सरकार पर लगाया भेदभाव नीति अपनाने का आरोप। नालागढ़ में नशे की ओवरडोज ने लिया 27 वर्षीय युवक की जान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा नालागढ़ अस्पताल। यमुना स्नान घाट पर लोगों की बड़ी लापरवाही आई सामने, उफान नदी में छलांग लगाने की वीडियो हुई वायरल। पंच परमेश्वर मंदिर के पास संदिग्ध हालत में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, शव 10 से 12 दिन पुराना होने के कारण पड़ा नीला। देर रात फतेहपुर के तलाड़ा में एक व्यक्ति की अंडे की दुकान पर बहसबाजी के दौरान छुरा मारने से हुई मौत, आरोपी मौके से हुआ गिरफ्तार। ऊना के लाल सिंगी गांव के लोगों ने बच्चा चुराने वाले गिरोह को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पुलिस ने एक बाइक समेत गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सभा के पूर्व प्रधान लेखराम वर्मा का BDTS की मैनेजमेंट पर आरोप, BDTS के मैनेजमेंट टीम नहीं कर रही जिम्मेदारी से काम, जिसकी वजह से लगातार गिरता जा रहा है BDTS का स्तर। बरसात में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने आपदा टीमों का किया गठन, जिला प्रशासन ने बरसात के मद्देनजर पर्यटकों और स्थानीय लोगों से की अपील, जिला प्रशासन ने हर मदद के लिए 24 घंटे खोलेगा आपदा केंद्र। जोगिंदरनगर सरकार घाट राजमार्ग पर खाई में गिरी गाड़ी, छोटी बच्ची के साथ 3 लोग हादसे में हुए घायल, घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से PHC में कराया भर्ती। सिरमौर के कफोटा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर मामला शुरू किया दर्ज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में उत्तरी प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन के सदस्य कहा कर्मचारियों की मांगों को जल्द माने सरकार। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कुमझवाड़ पंचायत के बागोठ गांव में बादल फटने के नुकसान का लिया जायजा, मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारी प्रभावित परिवारों से बातचीत कर मुहैया कराई सहायता राशि।
बिलासपुर के भगौट गांव में बादल फटने से मची तबाही। बादल फटने से करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। घटना से गांव में भारी तबाही का मंजर। बीते वीरवार को रात करीब 3 बजे आई इस त्रासदी में गांव के 3 परिवारों का घर दुकान सब उजड़ा। शिमला में 5 और 6 अगस्त को होगा 10वां पुलिस महिला सम्मेलन। सम्मेलन में भाग देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। धर्मशाला में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को हरियाली महोत्सव मनाया गया। इसके लिए देश भर में 75 साइट्स की गई थी चिन्हित। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए 9 दिन से चल रहे गुप्त नवरात्रों का हुआ समापन। माता ज्वाला के प्रकोत्सव के बाद आज पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारी का किया आयोजन। धर्मशाला में भारतीय फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री काली का विवादित पोस्टर को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन एवं विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध। ज्योरा में एक व्यक्ति पिछले 4 सालों से प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलने वाली राशि के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर का काट रहा है चक्कर। व्यक्ति के सिर पर एक सुरक्षित छत की चाह के लिए 2018 से अपनी फाइल लेकर दर दर भटक रहा युवा। दुनिया में अब तक करीब 55,77,00,000 हुए कोरोना के केस। 53,16,00,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 63,67,000 से ज्यादा। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 18,930 से ज्यादा मरीज। 35 लोगों ने गंवाई जान। 14,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले 600 नए मामले। वहीं एक मरीज की मौत। कुल मामले 19,38,000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 415 कोरोना के नए मरीज। कुल मामले 10,18,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 3,142 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 79,93,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 144 नए केस। कुल मामले 2,86,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 36,4,140 हुआ मौतों का आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 343 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,52,000 से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 2,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे के भीतर मिले 2,352 नए मामले। कुल मामले 20,33,000 के पार। बिहार में बड़े कोरोना के मामले 24 घंटे में मिले 309 नए मरीज। कुल मामले 8,34,000 से ज्यादा। वही मौतों का आंकड़ा 12,261 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। 1,98,00,000 के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा। भारत की इंग्लैंड में सबसे बड़ी जीत। पहले T20 में अंग्रेजों को 50 रन से हराया। हार्दिक अर्धशतक के साथ 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। 22 जुलाई को होगी टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत। वेस्टइंडीज में टीम इंडिया को खेलनी है 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम। न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलेगा समान वेतन। वनडे के लिए दिए जाएंगे 2,00,000 रुपए। टेस्ट के लिए मिलेंगे 5,00,000 रुपए। टीम इंडिया WTC फाइनल की रेस से लगभग बाहर। वर्ग में हार से कमजोर हुई भारत की स्थिति। फिल्म मेक विलेन रिटर्न का नया गाना दिल हुआ रिलीज। 29 जुलाई को सिनेमाघरों में करेगी धमाकेदार एंट्री। एक विलेन रिटर्न का एक नया गाना दिल हुआ रिलीज। पहले दिन ही सिनेमाघरों में मचाया थोर ने धमाका। भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली 5वीं हॉलीवुड फिल्म बनी थोर। शादी से एक दिन पहले आगरा के प्राचीन मंदिर भगवान के आशीर्वाद पहुंचे एक्ट्रेस पायल रोहतगी और रेसलर संग्राम सिंह। 9 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे पायल और संग्राम। अमेरिका में फिर हुई फायरिंग। इंडियाना में पार्टी में हुई शूटिंग में 3 की मौत। कुल फ्रीडम डे परेड में हुई फायरिंग में मारे गए थे 6 लोग। अमेरिका में बिजली गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने। देखते ही देखते धू धू कर जल उठा पेड़। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो।